Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update. लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड पर चार दिनों से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेने आज माउंट आबू पहुंचे। इस अवसर पर उनका ब्रह्मा कुमारीज में पहुंचने पर स्वागत किया गया। अपने उद्बोधन में जानकी जी द्वारा लोकसभा प्यारी ट्रॉफी ओम बिरला ने कहा, ओम बिरला जी को भेंट कर रहे हैं। भारत का युवा ही सब समझते हैं, दुनिया को आध्यात्म का ज्ञान दे सकता है, संदेश दे सकता है। तो वही जिसने ये सोचा पूरी दुनिया में थक गया, भारत ही ऐसा देश है जिसने भी सोचा पूरी दुनिया को बूढ़ा हो गया, विश्व शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं, रास्ता दिखाने में सक्षम है। ओम बिरला ने इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्म को लेकर किए गए प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा, इस विश्वविद्यालय में जो कुछ चल रहा है वो पूरी दुनिया को संदेश है कि आध्यात्मिक हम क्या कर सकते हैं। जानकी जी को मैं ओम शांति ओम शांति। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा एकता और शांति समृद्धि के लिए आध्यात्मिक विषय पर ये चार दिवसीय सम्मेलन आज समापन पर होने जा रहा है। इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में देश और विश्व के हजारों भाई बहन जो आध्यात्मिक की अलग जगा रहे हैं, जो अच्छे संस्कार विचार के माध्यम से अंधकार में रोशनी करने का काम कर रहे हैं, तो हम सभी भाई बहनों को ओम शांति आप इसी तरीके से आध्यात्मिक का अलग जगाते रहे। ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण भी रहा और सार्थक भी रहा। आंतरिक शांति के लिए ये विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। परमात्मा एक है ये मानकर इस दिशा की ओर में इसके सार्थक प्रयास निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में परिणाम ला रहे हैं और ये चार दिवसीय सम्मेलन एक सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा की ओर ये सम्मेलन लोगों के जीवन को बदलने का काम करेंगे। मैं पुनः दादी जानकी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो 104 वर्ष की होने के बाद भी लगातार इस देश में नहीं विश्व के हर कोने में जाकर आध्यात्मिक की ज्योति जलाने का काम कर रही है। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शांति। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।